क्या आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा टाइप का SMPS आपको यूज करना चाहिए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए, तो दोस्तों पहले तो मैं आपको अलग अलग टाइप्स के SMPS पावर सप्लाई दिखा देता हूं। SMPS यानी होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का जो प्राइमरी वर्क होता है वो AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, बट अलग अलग टाइप्स के SMPS की अलग अलग वोल्टेज होती है, अलग अलग एम्पियर्स होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि कौन सा SMPS कितने वोल्ट और कितने एम्पियर का लेना चाहिए CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन के वक्त में। देखिए यहां पर मैंने दो अलग अलग वैरायटी के SMPS दिखाए, अब मैं आपको दो और वैरायटी के SMPS दिखा रहा हूं। अब जो SMPS होते हैं ब्रांड टू ब्रांड उनकी डिजाइन और स्पेसिफिकेशन अलग अलग होता है, बट कौन से वक्त आपको कौन सा SMPS लेना चाहिए, व्हाट आई मीन टू से कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा टाइप का SMPS लेना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। AC को DC पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमें SMPS का यूज करना होता है। उससे भी इंपॉर्टेंट थिंग ये है उसका कैलकुलेशन। दोस्तों कैलकुलेशन से मेरा मतलब ये है कि आप कितने कैमरे लगा रहे हैं, हर एक कैमरे का कंजम्पशन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली SMPS के वोल्ट और एम्पियर आपको डिसाइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 12 वोल्ट और 5 एम्पियर का SMPS इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब कि 5 एम्पियर जो है उसको आपने 12 वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी 60 वो वॉट होगी, W वॉट। तो वॉट जो होता है वो ही कंजम्पशन होगा कैमरे का। अब मान लीजिए एक कैमरे का कंजम्पशन 10 वॉट का है, तो 10 वॉट के हिसाब से 6 कैमरे आप इस SMPS पर लगा सकते हैं। अब उसी तरह से मान लीजिए एक कैमरे का जो कंजम्पशन है वो 12 वॉट है, 12 वॉट, तो उसके अकॉर्डिंगली इस SMPS पर 5 कैमरे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 12V एंड 5 AMP, 12 वोल्ट और 5 एम्पियर की रेटिंग यहां पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी देयर इज मेंशनड। अब मैं दूसरे टाइप के SMPS की बात करता हूं। इस SMPS में देखिए सेपरेट ब्लॉक्स बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि इस SMPS पर आप 4 कैमरे इंस्टॉल कर सकते हैं। 4 कैमरे को पावर देने के लिए ये SMPS सफिशियंट है, बट मिक्स कैमरे की अगर मैं बात करूंगी, PTZ कैमरा, एरे कैमरा, बुलेट कैमरा या डोम कैमरा, तो इस तरह का SMPS आप मत यूज कीजिए। हर एक ब्लॉक की 12 वोल्ट और 1 एम्पियर की अगर आउटपुट है, और कुछ कैमरे ऐसे हैं जैसे PTZ, तो उनको अगर 3 एम्पियर तक का पावर सप्लाई पावर कंजम्पशन लग रहा है, यानी 36 वॉट तक पावर लग रहा है, तो ये SMPS वहां पे फेल हो जाएगा, ऐसा यूज नहीं करना है। बिकॉज द सिंगल आउटपुट पोर्ट इज गिविंग 12 वोल्ट एंड 1 एम्पियर, मीन्स 12 वॉट आउटपुट दिस सिंगल आउटपुट पोर्ट इज गिविंग टू द कैमरा। सो डोंट यूज इफ यू नीड 12 वॉट and 3 ampere, that means if you want 36 watts, so don't use these types of SMPS. अगर ज़्यादा watt की आवश्यकता है, तो आपको project series के SMPS use करने चाहिए इस तरह के। इसमें COM और वो V+, यानी कि plus और minus DC से सिर्फ 2 वायर आपको connect करनी है, और यही 2 वायर आगे आपको कैमरे के लिए लगानी है। जैसे 4 कैमरे आप लगा रहे हैं, तो parallelly ये 2 वायर उन चारों कैमरे की केबल्स पे कनेक्ट होगा, plus side और minus साइड। तो यहां पर इस वीडियो में आपने SMPS और उसके कंजम्पशन के बारे में जाना। बाकी पूरा प्रैक्टिकल कोर्स करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, लिंक पर विजिट कीजिए। प्रैक्टिकल कोर्स की डिटेल्स के लिए आप कॉल कीजिए इंस्टीट्यूट की हेल्पलाइन नंबर पर, और साथ ही हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टीट्यूट के जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसका लिंक दिया हुआ है, सो मस्ट इंस्टॉल GLM इंस्टीट्यूट ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन टू गेट एनी टेक्निकल वीडियोज लेटेस्ट अपडेट क्विकली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।